उत्तराखंड में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। पिछले 2 दिनों में अब तक राज्य में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायगढ़ की है, जहां बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। दूसरी तस्वीर चंपावत की है, जहां आपको बता दें कि एक पुल बारिश की वजह से धराशायी हो गया और इस सैलाब में पूरी तरह से वो पुल बहता हुआ नजर आया। तो किस तरह से आसमानी आफत उत्तराखंड में नजर आ रही है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। रायगढ़ में जहां बादल फटने से आप देख सकते हैं कि किस तरह के ये भयानक मंजर वहां पे नजर आ रहा है, और साफ तौर से भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में अब तक राज्य में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बादल फटने से 5 लोगों की मौत हुई है, और कहा जा रहा है कि रायगढ़ में जो बादल फटा है उसमें अभी भी कई लोग दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिशें वहां पर की जा रही है। चंपावत में एक पुल बुरी तरह से बारिश की वजह से बह गया। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज भयानक बारिश वहां पे लगातार हो रही है। हालात बद से बदतर वहां पर आम लोगों के लिए होते जा रहे हैं। वहीं चमोली के हालात भी कुछ अलग नहीं है। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सबसे पहले मकान का एक छोटा हिस्सा गिरता हुआ दिखाई दिया, और फिर देखते ही देखते पूरा मकान ही ध्वस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से वहां पर ये मकान भारी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। लेकिन राहत की बात रही कि किसी को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वक्त रहते जो लोग इस घर में रह रहे थे उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि कितने भयानक तबाही इस बारिश की वजह से उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मानसून की विदाई का वक्त है। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड में किस तरह से भयानक हालात नजर आ रहे हैं। और अब चमोली से ही आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश की वजह से एक नाला उफान पर आ गया है और उसमें एक कार फंस गई है। कार के नाले में फंसने की जानकारी मिलते ही वहां खुदाई करने वाली एक मशीन को वहां पर बुलाया गया। उसके बाद कार को नाले से निकालने की कोशिश शुरू हुई और कड़ी मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो देवभूमि पर कुदरत का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। किस तरह से कहीं पर पुल तेज पानी के बहाव में धराशायी हो रहा है, और ये देखिए किस तरह से ये कार वहां पर फंस गई थी। हालांकि रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद इस कार को निकालने की कोशिशें वहां पर शुरू हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का कितना तेज बहाव है वहां पर। एक नाले में ये कार फंस गई है, जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और इस कार को सुरक्षित यहां से दूर ले जाने की कोशिशें क्रेन के जरिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से की जा रही है। लेकिन पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज है। उत्तराखंड के चमोली से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आ गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड में बारिश हुई है, उसके बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और सभी लोगों को सावधान और सुरक्षित रहने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दे दी गई है। अब जरा उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई इस तस्वीर पे नजर डालिए। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली गोला नदी में सैलाब आ गया, जिसके बाद उसमें एक हाथी फंस गया। वहां से जो वीडियो सामने आया इसमें नदी में बने एक छोटे से टापू पर हाथी फंसा दिखाई दिया। सैलाब की वजह से वो ना तो आगे बढ़ रहा था और ना ही पीछे। इसके थोड़ी देर बाद हाथी नदी के तेज बहाव में बह गया। ये तस्वीरें देखिए, इंसान तो इंसान, इस बारिश की वजह से जानवरों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गोला नदी में बारिश की वजह से जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ गया। पानी का तेज बहाव वहां पे हुआ, एक टापू था वहां पर, हाथी वहां पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन उसके बाद पानी का तेज बहाव आया और हाथी को दूर तक बहा कर ले गया।
इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वहां रह रहे आम लोगों पर इस बारिश का क्या असर पड़ रहा होगा, क्योंकि इंसान तो इंसान, जानवर भी इस आसमानी आफत से अब बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाथी को देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी से तस्वीरें सामने आई, गोला नदी है, बारिश लगातार हो रही थी पिछले दो दिनों से, नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया, पानी का बहाव तेज हो गया। एक छोटा सा टापू था, हाथी अपने आप को वहां पे सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ, ये विशालकाय हाथी भी इस पानी के प्रचंड प्रहार से बच नहीं पाया और पानी का ये प्रहार उसे दूर तक बहा कर ले गया। तो आफत की बारिश उत्तराखंड में, केरल में देखने को मिल रही है। ये वो वक्त होता था जब मानसून की विदाई होती थी, लेकिन मानसून की विदाई के वक्त उत्तराखंड और केरल में लगातार भारी बारिश देखी जा रही है। आज सुबह जो खबर आई थी कि एक हाथी जो है वो टापू पे फंसा हुआ है, उसे सुरक्षा पूर्वक जो है उस